ये है कि हमारे क्रिएटर ने ही हमें चार भागों में बांट दिया, तो जो आज के शूद्र हैं वो उनके पैरों से, क्रिएटर के पैरों से पैदा हुए हैं। बताइए कि हमारे चरण यदि हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? जो चारों की उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई। आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा। महाराज जी वो तो कहती है माई लाइफ माई चॉइस, आप कौन हो गए, उनका शरीर उनके कपड़े। हाँ हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल आप जो पहने वो भी मत पहने, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सिले के नीचे तक आपने भी पूरे कपड़े पहने, तो ये मर्यादा है ना, मैं भी यहाँ बैठा हूँ कपड़े पहन के, कपड़े उतार के बैठू, मैं हाफ शॉर्ट्स भी पहनता हूँ, जहाँ पर जो पहनने लायक होता है वहाँ पहनता हूँ। हाँ हाँ, तो वो एक मर्यादित जगह पे ना पहनते हैं, सब जगह तो पहन के नहीं घूमते। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे अनिरुद्ध आचार्य जी ने कैसे कुछ वामपंथी जो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ में और जो हिंदू धर्म में जातिवाद है इस चीज को थोपने की कोशिश कर रहे थे और महिलाओं के कपड़े पर बोल रहे थे, तो उसको कैसे अनिरुद्ध आचार्य जी ने उसे धो दिया है, क्योंकि यह लोग महाराज जी को उनकी बातों में घेरने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर हर बार ये लोग खुद ही घेरे जा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं देखना कि कैसे ये लोग अपना धुलाई कराया है। लेकिन सनातन में तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो देवता है भगवान, एक वो देवता 33 करोड़ है। करोड़ मतलब कोटि मतलब प्रकार मानिए या कोटि मतलब करोड़ मानिए, वो प्रकार करोड़ अलग है। देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता, इंद्र देवता है, भगवान राम, कृष्ण भगवान है, शिव राम भगवान है, ये तो तीन अपने आप हो गए। ना ना, बात समझिए ना, बिजली को चलाने के लिए तीन तार होते हैं ना, फेस वन फेस टू फेस थ्री, पर बिजली तो एक ही है, तीन भागों में डिवाइड है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक परमात्मा को तीन व्यवस्था करनी है। गॉड का फुल फॉर्म क्या है, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, जब तीनों मिलाएंगे तब ना गॉड होगा। तो एक परमात्मा, एक पावर हाउस तीन प्रकार की बिजली उत्पन्न करता है, फेस वन फेस टू फेस थ्री। उसी प्रकार परमात्मा एक है, वह एक परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शिव। आपने तीन जो गॉड की परिभाषा कही, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, मैं जनरेटर से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ। ऋग्वेद को आप सनातन तो मानते होंगे? बिल्कुल, वेद हमारे सनातन है जी। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आपने सुना ही होगा, ब्रह्मण्यो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कर्ता उरु तदस्य यद वैश्य पद्मण्या शूद्रो अजायकर। बिल्कुल, तो इसका क्या मतलब है वो भी बता दीजिए। ब्रह्मण्योस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। जी, ये श्लोक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे क्रिएटर ने ही हमें चार भागों में बांट दिया गया, व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के लिए। तो जो आज के शूद्र हैं, जो व्यवस्था आज शूद्र हैं कि नहीं है, बिल्कुल है ना, आज आप मानते हैं कि कुछ लोग चार भाग है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों व्यवस्थापक, वो उनके पैरों से, क्रिएटर के पैरों से पैदा हुए हैं। किनके? ब्रह्मा जी के। बता रहे हैं, श्लोक का अर्थ समझिए, भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य ऊरु, तदस्य जदवैश्यः पद्भ्यां शूद्र अजायत, चरणों से शूद्र। अब बताइए कि हमारे चरण यदि हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारे हाथ हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारी जंघाएं या हमारा मुख हमसे अलग कर दिया जाए तो क्या हम परिपूर्ण हैं? वह एक पिता है, एक परमात्मा है, उस एक परमात्मा की चार संतान है, जो चारों की उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई। जब अनिरुद्धाचार्य महाराज के विवादित बयानों की चर्चा चली है तो उनका एक और बयान सुनवाते हैं। उन पर आरोप है कि वो महिलाओं की मॉडर्न ड्रेस के खिलाफ हैं। महिलाएं जो आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते, इसीलिए आप अपना पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं जो मर्यादित हों। महाराज जी वो तो कहती है माई लाइफ माई चॉइस, आप कौन हो गए, उनका शरीर उनके कपड़े। हाँ हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल आप जो पहने वो भी मत पहने, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा अभी कि जो छोटे कपड़े हमें तो केवल देखो माँ बाप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, तो हम समझा रहे हैं कि भाई जो अच्छा है वो पहनो, शरीर ढकने की परंपरा। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे बुजुर्ग बाप दादी पुरखे क्या वो पागल थे जिन्होंने परंपराएं बनाई कि भाई अब देखो जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं सबने कपड़े पहने हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, आपने भी पूरे कपड़े पहने हैं, तो ये मर्यादा है ना, मैं भी यहाँ बैठा हूँ कपड़े पहन के, कपड़े उतार के बैठू, तो मैं हाफ शॉर्ट्स भी पहनता हूँ, जहाँ पर जो पहनने लायक होता है वहाँ पहनता हूँ। हाँ हाँ, तो वो एक मर्यादित जगह पे ना पहनते हैं, सब जगह तो पहन के नहीं घूमते,
नहीं, लेकिन मैं किसी से पूछ के नहीं पहनता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ। बात या मुझे कोई बताता नहीं है, पूछ के पहनने की नहीं है बात, यह है कि समाज में जब आप निकलते हैं ना तो आप मर्यादित होकर निकलें। एक मर्यादा की बात है कि हर बाप हर माँ अपनी बेटी को और बेटों को मर्यादित पहनाए, क्या पहनाना है क्या नहीं, हमें क्या दिक्कत है। अभी तो बॉलीवुड के लोग बिल्कुल निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, क्या वो बाबा से इस बारे में बात करना चाहती हैं? कुछ आप लोग इस बारे में सवाल पूछना चाहते हैं जो बाबा ने कहा है? सहमत हैं आप इससे? सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं तो महिलाएं यहाँ पर सहमत है, लेकिन कुछ बहुत सारी महिलाएं जो सोशल मीडिया पर लिखती हैं जो आपसे सहमत नहीं है। होगा, सबका अपना अपना विचार है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मतलब जो जैसे कपड़े आप कह रहे हैं अगर उस तरह के ना पहने तो फिर लड़कियों का जैसे बॉलीवुड में है और मूवीज में है थोड़ा मॉडर्न ड्रेस अगर ना पहने तो फिर वो मूवी कैसे चलेगी, कैसे काम चलेगा? महाराज जी इसका जवाब। भाई मूवी चलाने के लिए आप हैं? मूवी तो ऐसी ऐसी चल रही हैं जो अश्लील हैं, आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो क्या आप ऐसी मूवी चाहती हैं जो आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकें? इससे समाज में क्या होगा? आज तो चलो आपने ऐसी मूवी देख ली, आने वाले 10 साल में सोचिए कि ये बच्चे, आज एक माँ मेरे पास आती है बोलती है महाराज जी मेरी बेटी अभी 14 साल की है पर ये किसी लड़के से प्यार करती है। मैंने बुलाया, उसकी बेटी थी, मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है? बोले 15 साल का। बोले मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। माँ रो रही थी कि मेरी बेटी को समझाओ महाराज कि देखो क्या 14 साल की लड़की है, 14-15 वर्ष की। आप बताइए आपकी 14-15 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा है और ये किसी लड़के के संग रहना चाहती है, ये कैसे उसने सीखा? ये मूवियां देख देख के, वही अश्लील कपड़े पहन के देखेंगे तो शरीर। मैं महाराज जी पहले एक सवाल है, मैं एक सवाल है, सवाल ये है उनके आपने जो विकास है, जो मानसिक विकास है जो होना चाहिए एक्चुअल उनका, वो ओरिजिनल विकास ना होके वो गलत वे पे गलत रास्ते पे चली जा रही है। आपकी बात हो सकता सही हो अनुरुद्धाचार्य जी, लेकिन कोई परिवार अपने बच्चों को अगर कम कपड़े पहनाकर अच्छे संस्कार देता है तो वो सही है, या पूरे कपड़े पहनाकर उनको सही संस्कार नहीं देता तो वो सही है? बताइए भाई, ये बताइए अच्छे संस्कार होंगे तो आधे कपड़े पहनाएगा ही क्यों? मतलब आपके हिसाब से संस्कारी वही है जो पूरे कपड़े पहने? भाई संस्कारी का मतलब है मर्यादा, संस्कारी का मतलब हम कपड़े से नहीं बोल रहे हैं, आप कपड़े कम पहन रहे हैं ज्यादा पहन रहे हैं वो आपका अपना विचार है, आपकी अपनी मानसिकता है। पर मेरा जो मानना पर्सनल, सबका नहीं, मेरा पर्सनल मानना है कि हमें जहां जाएं मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादा आचरण से होनी चाहिए या कपड़ों से? भाई मर्यादा कपड़ों से भी होती है, वाणी से भी होती है, अच्छा आचार विचार से भी होती है। कुछ लेफ्टिस्टों को जैसा कि ये लोग था, कभी ये लोग हिंदू धर्म के जातिवाद पर बोलेंगे तो कभी ये लोग बोलेंगे कि हिंदू धर्म में महिलाओं को इज्जत ही नहीं दिया गया, ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल के ये लोग धर्म को टारगेट हमेशा हर वक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने से उस तरह का जवाब मिल जाता जैसा कि आज मिला तो इन लोगों के पास कुछ कहने के लिए होता ही नहीं, इसलिए अच्छे खासे अपनी धुलाई करा लेते हैं। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।